सो हाय गाइज, वेलकम इन माई व्लॉग्स। तो आज की वीडियो में आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम अभी मैंने सोचा नहीं है, बाद में आपको इस वीडियो के टाइटल में आपको नाम पता चल जाएगा इस सीरीज़ का। तो इस सीरीज़ में आपको सारे फूड व्लॉग्स देखने मिलेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल तन्मय नेगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम लोग एंटर कर चुके हैं फेमस दाबेली जो है नाला सुपारा ईस्ट में, और इधर हमारे साथ अंकल लोग हैं। तो आपको बताऊंगा अंकल, कब से चल रहा है ये? 1985, तो मतलब बहुत साल हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो चुके हैं। और ये है नाला सुपारा ईस्ट में टोलिंस ब्रिज के सामने, और इधर जैसे कि आप देख सकते हैं दाबेली बहुत सारी बन रही है। तो ये है एकदम गर्मा गर्म ताज़ा, और इधर अंकल जो हेल्प कर रहे हैं इधर दाबेली बनाने में। तो अंकल, आपके पास कौन कौन सी दाबेली है, मतलब जो सबसे फेमस हो, जो लोग लेते हो? सबसे फेवरेट सबका गरम बटर दाबेली है, जो अमूल बटर में गरम होता है। उसके बाद चीज़ दाबेली है, अमूल चीज़ दाबेली है। उसके बाद अपना कच्ची कड़क मिसल है, जो जीरा बटर ये सब डाल के बनाते हैं अपन, वो भी टेस्टी रहता है एकदम। तो अभी ये अपना कच्ची कड़क मिसल है, जो इसको ये जीरा बटर है, दाबेली का मसाला है, लहसुन का चटनी है, फिर ये दाबेली का ग्रेवी है। ये ग्रेवी उसके अंदर डाल के तीखा मीठा खट्टा ये तीनों टेस्ट है, ये मिक्स होके बनता है, इसको कच्ची कड़क मिसल बोलते हैं। अभी आपके हिसाब से कौन सा दाबेली सबसे अच्छा रहेगा, अमूल चीज़ दाबेली या चीज़ चिली दाबेली? हाँ, ये सब है चीज़ चिली दाबेली। तो आप एक चीज़ चिली दाबेली बना दीजिए। को चीज़ ज़्यादा पसंद है वो चीज़ एकदम उसमें मेट हो जाता है, और दाबेली का मसाला, मसाला सींग, उसका ग्रेवी सब मिक्स हो जाएगा, और फिर तवे पे गरम करके अपन उसके ऊपर डबल चीज़ मारेंगे, तो वो चीज़ चिली हो जाएगा, और खाने में थोड़ा स्पाइसी रहती है लेकिन बहुत मज़ा आता है खाने में। ओके, ये हो गया अपना कच्ची कड़क मिसल, ये कच्छ का आइटम है, मसाला सिंह अभी सब लोग खाते हैं, और ये सब अच्छा है खाने में, टेस्टी है, तीखा खट्टा मीठा तीनों टेस्ट है उसके अंदर। अभी हम आपको बताएंगे चीज़ चिली कैसे बनता है। चीज़ चिली में दाबेली का मसाला है, सींग है, कांदा है, लहसुन का चटनी है, चीज उसके अंदर एकदम मेट हो जाएगा, बहुत सारा चीज डाला इसके अंदर, ये हो जाएगा मिक्स एकदम। अब ये देखो चीज अपन बनाएंगे चीज चिली, सबसे पहले उसके अंदर ये लहसुन का चटनी डालेंगे, लहसुन का चटनी डाल के फिर अपन जो ये बनाया है, जो अपन मेट तैयार किया है चीज का, चीज है उसके अंदर, दाबेली का मसाला है, सींग है, लहसुन का चटनी है, ये पूरा इसके अंदर अपन डालेंगे, एकदम डबल लेकर हो गया ये दाबेली। इसके ऊपर थोड़ा लहसुन का चटनी मार के अभी इसको अपन अमूल बटर में फ्राई करेंगे। अभी ये हो रहा है गरम बटर में, एकदम मस्त एकदम कड़क हो जाएगा। अब इसको गरम करके उसके ऊपर डबल चीज़ मारेंगे, और वो डबल टेस्ट हो जाएगा, उसके अंदर तीखा चटनी, मीठा चटनी, दाबेली का मसाला, मसाला सींग, जो मसाला सींग है उसके अंदर मेन है ये मसाला सींग, सबका अलग रहता है, ये जो फेमस दाबेली का सींग है वो अलग है पूरा। देख एकदम अमूल बटर में मस्त गरम हो गया है, उसको डबल चीज मारेंगे, जो चीज खाने वाले जो हैं उसके लिए बेहतरीन जबरदस्त हॉट एंड स्पाइसी दाबेली है।
जो खाने में लाजवाब है, एकदम टेस्टी है, एकदम अनार भी डल गया है इधर, एकदम ये पूरा एकदम दाबेली बन गया चीज चिली। तो ये है चीज चिली दाबेली रेडी। सो गाइज, दिस इज अवर चीज चिली दाबेली एंड अभी हम लोग टेस्ट करके आपको बताएंगे कि कैसी है दाबेली। तो ये है हमारे लिए पूरा स्वीट वीट रेडी है, तो ये अभी आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसी है दाबेली। तो मास्क उतारता हूँ मैं और एकदम मतलब बर्गर जैसा लग रहा है, तो अभी खाऊंगा मैं। मतलब जो चीज का वो है ना, जो चीज ऐड किया है बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, मतलब जैसा ही दिख रहा ना उससे मतलब 5 गुना अच्छा इसका टेस्ट है, मजा आ गया। आपने दाबेली मतलब इतना सुना नहीं होगा, वड़ा पाव सुना होगा मुंबई का ये सब, बट दाबेली भी बहुत फेमस है नालो सुपारा ईस्ट में, तुलिन ब्रिज के सामने आके खाना फेमस दाबेली में, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी दाबेली। चलो मैं इसको खत्म करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। सो देखते ही देखते अपनी दाबेली भी खत्म हो गई है ना, मजा आ गया दाबेली खाकर। आप आके जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छी थी। अभी अंकल दाबेली बहुत अच्छी थी वैसे। ये मलाड वेस्ट में भी है इनका, किशोर भाई है, किशोर भाई वो दोपहर को 3 बजे से लेके रात को 10 बजे तक धंधा चालू रहता है दाबेली दाबेली और अपना कच्ची कड़क मिसल। मलाड ईस्ट में रानी सती फाटक निवेटिया रोड, और मलाड वेस्ट में एनएल कॉलेज के गेट के बराबर सामने, और विरार वेस्ट में एमबी स्टेट, और वसई में 60 फीट रोड अपना नालसोपारा में, तो तुलिंज रोड पे है ईस्ट में बराबर, वसई में तो 60 फीट रोड, विरार में एमबी स्टेट, और मलाड में 2 हो गया। मजा आ गया आपकी दाबेली खा के। तो हमारी ऑडियंस को एक बार बोल दो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। हाँ भाई, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इन बच्चे लोग को आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो हर चीज टेस्टी ढूंढते हैं और वो आज ढूंढा है ये फेमस दाबेली। हाँ, और आज बहुत मजा आ गया दाबेली खा के। तो चलिए अभी इधर से निकलते हैं, और थैंक यू अंकल आप सबको इतना वो सपोर्ट देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। चलो थैंक यू अंकल। तो उसको रख बेटा। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है अंकल, ले लो ले लो ले लो, थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल। अरे डिस्काउंट दे दिया। अरे थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। वापस स्टोर में आएंगे हम लोग, बिंदास आओ, ऐसे ऐसे पब्लिक को अच्छा टेस्टी जहाँ मिलता हो वो वीडियो बताओ, तो पब्लिक क्या उसको सब्सक्राइब करेगी और लाइक भी करेगी। अपना नाला सुबारा के लोगों को सपोर्ट करना बनता है वैसे। चलो थैंक यू अंकल, जय माता दी, चलो बाय बाय। सो गाइज, होपफुली आपको वीडियो में मजा आया होगा, अगर आपको वीडियो में मजा आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल तन्मयनी की। सबसे पहले मेरे कैमरामैन और जो भी अंकल थे और उनके स्टाफ थे, उन सबको बहुत बड़ा वाला थैंक यू मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए, और आप सब भी अब इस वीडियो में जोरदार सपोर्ट दिखाना, जिससे इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करें और अच्छे अच्छे फूड ब्लॉग्स आपके लिए आते रहे। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।